रसोई के ना घर में हमारे डॉग आया, वो वोडाफोन वाला होता है ना, वोडाफोन वाला, उसका ये क्या होता है वो, उसकी ब्रीड का नाम क्या होता है वोडाफोन वाले ब्रीड का, वो ऐसा ऐसे गाड़े होते हैं उसके, और ऐसा होता है वो वाला पग, हाँ हाँ पग पग पग, हमारे ना चौथे फ्लोर पे, तीसरे फ्लोर पे है ना वो रहते हैं ना, उनके उनके घर में पग है, हाँ क्या, तो वो डॉग आ गया घर में, दरवाजा खुला था तो वो आ गया, और ना वो अंदर आने के बाद हैंग हो गया, ये भाई सब किसके घर में आया, वैसा वाला फीलिंग आया क्या उसको, और हमारे घर में मतलब मैं और मम्मी थी, तो मम्मी बाहर आई, मम्मी मम्मी फुल हैंग, मम्मी चिल्लाने लगी, ऐसा हो गई मम्मी, और बोलती है कि अरे ये मेरे को बोल रही है ये अंदर आ रहा है इसको देख, मम्मी को डरा ये देख, वो भी चले गया फिर बाहर, और वो बाहर गया और कॉरिडोर में था वो, ठीक है कॉरिडोर में था वो, घूम गया था, वो घूम गया था, उसके गले में पट्टा भी नहीं था, तो शायद वो है ना घर से भाग के नीचे आया और वो हैंग हो गया कि किधर जाने का अभी, तो वो है ना कॉरिडोर में ना कैसा था मालूम क्या, कॉरिडोर में हमारे तो है ना ऐसा घूम घूम के उधर ही देख रहा है, तो मम्मी बोली अरे ये शायद घूम गया है, छोड़ इसका कोई आ जाएगा लेने के लिए, लेकिन मेरे को ऐसा देखा नहीं जा रहा था भाई ऐसा, और बहुत प्यारा लग रहा था, आ गया वो, तो वो है ना नीचे गया भागते हुए, मैं मम्मी को बोला अरे खाली गया तो मतलब नीचे गया वो, अब नीचे अगर बाहर चले गया गेट के तो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते तो सीन हो जाएगा ना, तो मैं नीचे गया, आ गया उसको देखते देखते कि वो भाग के नीचे गया भाई ग्राउंड पे, तो वो रेती पे है ना, उसने क्या किया मालूम, वो मूत रहा था, और मैं ऐसा देखा उसको, जैसे मैंने उसको कॉट किया ना, उसने पैर नीचे ले लिया भाई, तो अभी वो आया मतलब देखा मुझे वो, ठीक है देखा, और मेरी बहुत फटती है जेन्युइनली, कुत्तों से बहुत फटती है और अनजान कुत्तों से तो बहुत ही ज्यादा, लेकिन फिर अभी है ना, लेकिन मेरे दिमाग में यह था कि मुझे उसको छोड़ना है घर पे, तो मैंने उसको सिर्फ ऐसा किया, वो भागते हुए मेरे पास आया भाई, भागते हुए, और मेरी ठस हो गई, मेरी ठस हो गई, तो क्या हुआ कि वो भागते हुए आ रहा है, अब मैं भाग भी नहीं सकता, क्योंकि अगर कुत्तों के सामने तुम भागते हो तो वो पीछे से आके तुम्हें जकड़ लेते हैं, ठीक है ये मैंने सुना है और ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया, तो मैं भागा नहीं, तो वो भाग के आया, और कुत्तों ये छोटे कुत्ते हैं ना भाई, टांगों में बहुत घूमते हैं, आ गया तो मेरे यहाँ पे ऐसा आया ना, मैं पूरा अटेंशन हो गया, ऐसा आया क्या, मैं अटेंशन हो गया इधर आके, ऐसा ऐसा बोल और मैं ऐसा, वो मुझे जानता नहीं, मैं उसको जानता नहीं, वो मुझे फॉलो करने लग गया, मैं उसको लेके आया लिफ्ट की तरफ, मैं जैसे लिफ्ट की तरफ लेके आया ना, वो शांति से मालूम क्या, शांति से ऐसा बैठा, ऐसा एक ही दोनों पैर ऐसे, मैंने डर डर के लिफ्ट का दरवाजा खोला, क्योंकि मुझे डर लग रहा था वे, वो है ना लिफ्ट का जो ये होता है ना वो चाट रहता था, तो मेरे को डर था कि मैं ऐसा खींच रहा हूं उसकी जबान, उसमें ऐसी पचक गई तो जमा हो जाएगा, मैं तो मैं धीरे धीरे करके खोला, जैसा मैंने खोला अंदर चले गया साला, अंदर घुस गया, मैं बोला भाई वाह इसको पता है, मैंने उसका फ्लोर का बटन दबाने के बाद जब लिफ्ट बंद किया और लिफ्ट ऊपर जा रहा था ना, वो है ना ता, ऐसा बैठ के जैसे मैंने अभी बताया वैसा बैठ के ना मेरे को कैसा दिख रहा था मालूम क्या, अरे उसका जवान ऐसा बाहर था, मैं उसको देखा ही नहीं, मेरी फटी थी भाई, वो मेरे पैर में आके ऐसा करने लग गया ना, मैं उधर ही निकल जाता भाई, मैं जानता नहीं, मैं उसको फेंक भी देता, वो भागते हुए उसके घर के बाहर रुक गया, मैंने बेल बजाया, वो अंकल आए, अरे ये किधर गया था, तो मैं बोला ये शायद घूमता तो तुम्हारा दरवाजा खुला रहेगा, तो वो आगे आके हमारे फ्लोर पे था, अकेला बाहर जा रहा था तो मैं सोचा लेके आता हूँ, बोला तो वो अंदर गया डॉग, ठीक है, और फिर उनके जो ओनर है वो डॉग को बोलते वापिस ऐसा गया तो घूम जाएगा तू, घूम गया तो कौन लेके आएगा तेरे को, हाँ समझता नहीं है, तो चिल्लाने लग गए, मैं बोला यार भाई ऐसा डॉग चाहिए लाइफ में, मजाक से हटके अगर कुछ चाहिए ना तो ऐसा डॉग चाहिए भाई।